हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। टुडे डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू करते हुए हम अन्य रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जो रूल्स नंबर 7 बताया गया था, उसके बाद कुछ मेन लिगेंड्स के मूलक नेम व लिगेंड नेम के बारे में इस टेबल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ प्रमुख मूलकों के लिगेंड नेम दिए गए हैं और उनका सूत्र एंड IUPAC नाम भी दिया गया है। आप ध्यान से देखें, ये सारे आपको रिनाइन या एनायोनिक लिगेंड्स हैं और इनके साथ ही इनके सूत्र दिए गए हैं, साथ में इनके IUPAC नाम भी दिए गए हैं। जैसे पहला हम देखेंगे, इसका नाम है हाइड्राइड, तो इसको लिखेंगे H- और इसका IUPAC नाम होगा हाइड्राइडो। रिनाइन है इसलिए सब पे क्या लगेगा, डो, क्योंकि कल मैंने बताया था कि अनुलग्न जो होता है उसमें बाद में ओ जुड़ जाता है, जो रिनाइन होते हैं। ऐसे फ्लूराइड है और इसमें F- को फ्लूराइडो, क्लोराइड को Cl- है, क्लोराइडो। इसी प्रकार से आप जितने भी रिनाइन वाले देखेंगे उन सब में ये जुड़ते जाएंगे। ये देखिए OH को हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइडो OH- लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो O2- उसको परोक्साइड कहते हैं, सुपरऑक्साइड या हाइपरऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और इसको डाइऑक्साइडो, क्योंकि -1 इस पर वैलेंसी है। और इसी प्रकार से अगर परऑक्साइड का देखें तो यहाँ पर है आपका O2- तो इसको कहेंगे डाइऑक्साइडो 2-, क्योंकि इस पर 2 वैलेंसी है। ध्यान रखें, अगर सिंगल वैलेंसी है O2 है तो उसे हाइपरऑक्साइड या सुपरऑक्साइड कहेंगे, और O2 है 2 वैलेंसी है तो उसे परऑक्साइड कहेंगे और उसका नाम भी डाइऑक्साइडो होगा IUPAC। और अगर केवल ऑक्साइड है, ओ है और उस पर वैलेंसी 2- है तो उसको ऑक्साइडो कहेंगे। इसी प्रकार से क्लोरेट देख सकते हैं, Cl3-, तो क्योंकि ओ कितने हैं 3, इसलिए इसको कहेंगे ट्राई ऑक्सो क्लोरेटो। और अगर 4 Cl है Cl4- तो उसको कहेंगे पर क्लोरेट और उसका नाम होगा IUPAC टेट्रा ऑक्सो क्लोरेटो। इसी प्रकार से अन्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे SH- है, इसका नाम है, मूलक नेम है मरकेप्टाइड और इसका IUPAC नाम है सल्फानीडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो। इसी प्रकार से ऑक्सेलेट का देखेंगे आप तो C2O4 2-, तो इसको IUPAC नाम देंगे एथेन, क्योंकि कितने कार्बन है 2, एथेन डायोएटो। इसी प्रकार से एसीटेट में भी आपके 2 कार्बन है तो एथिनोएटो, क्योंकि माइनस से सब पे क्या लगेगा, ओ की ध्वनि आएगी, एटो। इसी प्रकार से अगर आपका अन्य देखें NH2CH2COO-, तो इसका मूलक का नाम है ग्लाइसिनेट और इसका IUPAC नाम होगा एथिनो एटो। एथिन तो क्योंकि CH2 जुड़ा हुआ है इसलिए एथिनो, और 2 कार्बन है इसलिए एथेन हो गया, तो और एटो इस पे लगाएंगे, रिनाइन है तो एथिनो एटो इसका नाम होगा। इसी प्रकार से सल्फाइट SO3 2- को मूलक नाम है सल्फाइट, तो इसका नाम होगा ट्राई ऑक्सीजन सल्फेटो 2-,
इसी प्रकार से अगर बाईसल्फाइट देखें या थायोसल्फाइट देखें तो इनका बाईसल्फाइट को सूत्र है HSO3- और इसका नाम होगा हाइड्रोजन ट्राई ऑक्सोसल्फेटो और इसका नाम होगा ट्राई ऑक्सो थायोसल्फेटो। इसी प्रकार से सल्फेट का देख सकते हैं, यहाँ पर आप नाइट्राइड देखिए N3- इसका नाम है ट्राई नाइट्राइडो। इसी प्रकार से साइनाइड है, साइनेट है, साइनेट को NCO- इसका फॉर्मूला है और इसको साइनेटो IUPAC नाम देंगे। इसी प्रकार से NCS उसका नाम होगा थायोसाइनेट और इसका नाम होगा थायोसाइनेटो कप्पा N, यहाँ पर कप्पा लगाना होता है। जब भी इस प्रकार के जो द्विलिगेंड वाले और द्विलिगेंड होंगे जो दोनों की संयोजकता पूरी कर सकते हैं उनके आगे कप्पा लगाना होता है। इसी प्रकार से एमाइड का देखिए NH2- तो उसको एजेनाइडो IUPAC नाम देंगे। इसी प्रकार से अन्य ऋणायनों के भी नाम होंगे। यहाँ उदासीन लिगेंड देखिए, अब उदासीन लिगेंड का नाम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मूलक का नाम है O2, इसको इसका फॉर्मूला है, इसका IUPAC नाम है डाई ऑक्सीजन। जल H2O इसका नाम एक्वा रहेगा, एक्वा नाम से भी इसको जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहेंगे। अमोनिया है NH3, इसका IUPAC नाम एजेन है। इसी प्रकार से N भी आप देख सकते हैं, एथिलीन है C2H4, इसका IUPAC नाम एथीन है। या नाइट्रिक ऑक्साइड NO का IUPAC नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब धनायन लिगेंड की बात करते हैं, धनायन लिगेंड में आप देखिए अमोनियम मूलक नेम है, इसको NH4+ फॉर्मूला से लिखते हैं और इसका IUPAC नाम दिया हुआ नहीं है। इसी प्रकार से हाइड्रोजीनियम है, नाइट्रोसीलियम है, हाइड्रोनियम है, तो इन सब पे EM लगेगा। जितने भी धनायन हैं उन सब के अंत में क्या जुड़ेगा, EM। अब हम आगे नेक्स्ट रूल्स के बारे में जानकारी करने से पहले हम जो 7वें नंबर का रूल्स है उसी का पॉइंट है ई। उसमें हम देखते हैं कि ऐसे कार्बनिक लिगेंड जो उदासीन कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन खोने पर बनते हैं, जैसे आपका है एसीटिल एसीटोन, उदासीन कार्बनिक अणु है, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उनका नाम भी ऊपर समाप्त होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटिल एसीटोनेटो। तो ध्यान रखें कार्बनिक अणु है लेकिन एक हाइड्रोजन उससे अगर निकल गया है तो उसका नाम बाद में ऊपर समाप्त होगा। अब कार्बनिक लिगेंड के जो संक्षिप्त होते हैं, जो एब्रीवेशन होते हैं, उनको एब्रीवेशन के रूप में लिखा जाता है। और उनमें से मेन ऑर्गेनिक लिगेंड्स को किस प्रकार से संक्षिप्त में लिखा गया है इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे ये है आपका एसीटिल एसीटोन, इसका क्रमबद्ध नाम है क्योंकि 2 और 4 पर डाइओन लगा हुआ है, ये देख लीजिए एसीटिल एसीटोन है। 1, 2 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 3, 4 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 2, 4 और पेंटेन, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 इस पे कार्बन है इसलिए पेंटेन। और डाइओन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितने, 2, तो 2 से पहले क्या आएगा, डाई, तो 2, 4 पेंटेन डाइओन, ये इसका क्रमबद्ध नाम है। और इसका जो संक्षिप्त एब्रीवेशन अगर आप लिखेंगे तो इसको ACAC लिखेंगे, स्मॉल ACAC। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटाडाइनाइल का नाम भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रहेगा लेकिन इसको कैपिटल C और P से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से एसीटिल का एसीटिल नाम रहेगा लेकिन इसको केवल स्मॉल AC से एब्रीवेशन इसका देंगे। ध्यान रखें एसीटिल एसीटोन को डबल ACAC से करेंगे
और केवल एसीटल को एसी से। इसी प्रकार से ब्यूटिल, ब्यूटिल को बीयू से, फेनिल को पीएस से, प्रीडीन को पीवाई से। ध्यान रखें ईडीटीए को अगर हम क्रमबद्ध नाम देंगे तो 1,2-ethanediol डाई नाइट्रिलो टेट्रा एसीटो, और इसको एब्रिवेशन होगा स्मॉल ईडीटीए। इसी प्रकार से एथिलीन डाइएमीन का ईएन से करेंगे, 2,2-bipyridine को करेंगे बी, स्मॉल होंगे सभी बी पी वाई, और यूरिया को करेंगे यू आर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं जिनके ये एब्रिवेशंस हैं, उनको इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसी प्रकार से इसका एक 7 पेज नंबर के रूल्स का नेक्स्ट पॉइंट है ई, उसमें वो कह रहा है कि कार्बनिक लिगेंडों तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो आयनों के सल्फर, सेलिनियम आदि के व्युत्पन्न नामों को कोष्टक में लिखा जाता है। ध्यान रखें कार्बनिक लिगेंड, एक तो कार्बनिक लिगेंड हों और कौन कौन से हों, एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो आयनों के सल्फर सेलिनियम के व्युत्पन्नों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसको हम उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका सी यू ब्रैकेट ए सी ए सी, ये क्या हो गया एसिटिल एसीटो एसीटोन, और तो इसका नाम क्या लिखेंगे क्योंकि टू लगा हुआ है तो टू से पहले क्या लिखेंगे बिस, और क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एसिटिल एसीटोनेटो, और मेटल को बाद में लिखेंगे कॉपर सेकंड। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख सकते हैं सी ओ ई एन का होल थ्राइस, उसके बाद ब्रैकेट बंद, और एसओ फोर का होल थ्राइस। तो चूंकि यहां पर क्या है ट्रिस और ई एन क्या है एथिलीन डाइएमीन, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसको हमने किससे लिख रखा है एब्रिवेशन से एथिलीन डाइएमीन, और ये कोबाल्ट थर्ड और बाद में क्या आएगा सल्फेट। इसी प्रकार से अन्य नाम भी आप देख सकते हैं। अब आपका आता है एफ, एफ नंबर का बिंदु है दोहरे दंतुक, जिसे एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम से लिखते हैं। ये बताता है कि धातु परमाणु के साथ कौन कौन से परमाणु ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखा है। अगर दोहरे दंतुक लिगेंड में धातु परमाणु के साथ जो भी एटम बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन, उससे पहले एक टर्म लिखते हैं, उसको हम कप्पा बोलते हैं, और स्मॉल के जैसा दिखता है वो, और उसको हम क्या बोलते हैं कप्पा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप, ये मेटल से एस सी एन ने बॉन्ड बना रखा है एस, अथवा मेटल से एन सी एस ने बॉन्ड बना रखा है, तो हम क्या लिखेंगे थायोसायोनेटो, और एस से पहले क्या लिखेंगे कप्पा। इसी प्रकार से एन, एन ने यहाँ पर मेटल से बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ लिखेंगे थायोसायोनेटो कप्पा एन लिखते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे NO2 को जब लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कप्पा एन, क्योंकि एन जुड़ा हुआ है मेटल से, और अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता नाइट्राइटो में तो कप्पा ओ लिखते हैं। रूल नंबर 8, संकुल यौगिकों में संकुल उदासीन अणु भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी ये चीज पढ़ी थी कि 4th नंबर के रूल्स में कि जो संकुल है वो आपके एक तो उदासीन भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। अब हम उदासीन अणुओं के बारे में देखते हैं। अगर उदासीन अणु है तो उस संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। जैसे कुछ एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए PtCl2 NH3 का होल टू आइस, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे डाइएमीन, क्योंकि ए पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो Cl2 से पहले लिखेंगे हम एमीन, डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि एमीन तो उदासीन है
क्लोरीन माइनस वाला है तो दो सी एल है, तभी तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए प्लेटिनम कैसा होगा आपका सेकेंड। इसी प्रकार से अन्य एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप सी यू ए सी ए सी का होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद, तो क्योंकि डबल है इसलिए बिस एसिटिल एसिटोनेटो और ये कॉपर, और चूंकि ये कैसा है सेकंड, माइनस चार्ज है एक पे, दो हैं तो दो हो जाएंगे, इसलिए कॉपर को बैलेंस करने के लिए कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा टू, इसीलिए कॉपर सेकंड। सेकंड इसमें रूल्स है, यदि संकुल आपका धनायन है तो पहले जो नियम बताए थे उन्हीं का उन्हीं के अनुसार इसका नामकरण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए ये है आपका ए जी एन एच थ्री का होल टू एस प्लस, तो एन एच थ्री इसलिए क्या आ जाएगा डाई, डाई एमीन सिल्वर, क्योंकि एमीन तो कैसा है उदासीन, तो ये बैलेंसी किसकी है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये सिल्वर का, तो क्या हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, धनायन है इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे आयन। इसी प्रकार से और भी आप धनायन के उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें से एक और अपन लेते हैं सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स ब्रैकेट वन थ्री प्लस, तो इसको लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि छः है इसलिए हेक्सा एन एच थ्री को एमीन लिखते हैं, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये धनायन के लिए। अब आता है सी, सी के लिए आप सी नंबर का बिंदु है, इसमें ऋणायन के बारे में बताया गया है, और इसमें जो नियम है धातु आयन के नाम के अंत में एट जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप ये एन आई सी एन का होल फोर टू माइनस, कितने सी एन है चार, तो चार को क्या कहेंगे टेट्रा, और सी एन को क्या कहते हैं यहाँ पर साइनो, और चूंकि निकिल है और टू माइनस है तो क्या होगा निकिल का लास्ट में एट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड, चूंकि सी एन चार का मतलब है चार माइनस है, तो एन आई टू प्लस होगा तभी तो यहाँ टू माइनस बचा, इसीलिए निकलेट सेकेंड आयन। इसी प्रकार से अन्य भी आप ऋणायन के कॉम्प्लेक्सेज के नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है यदि किसी यौगिक में, ये ध्यान दें धनायन और ऋणायन दोनों ही उपस्थित हैं, तो उसका नियम कैसे लिखते हैं, पहले धनायन का और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए सी यू एन एच थ्री का होल फोर ब्रैकेट बंद सी यू सी एल फोर, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि एन एच थ्री तो कैसा है आपका उदासीन है, तो किसका किसका चार्ज आएगा धनायन का, और सी यू सी एल फोर ये सी एल कैसा है माइनस वाला, तो ये है ऋणायन, तो अगर धनायन और ऋणायन दोनों ही मौजूद हैं तो क्या क्या पहला किसके नाम लिखेंगे धनायन का। देखिए यहाँ पर एन एच थ्री कितने हैं फोर, तो इसको लिखेंगे टेट्रा, और एन एच थ्री को क्या बोलते हैं एमीन, इसलिए ये हो गया टेट्रा एमीन, और कॉपर तो धातु का नाम है और चूंकि उदासीन है एस सच आ जाएगा कॉपर, और कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में सेकंड, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये सेकंड। इसी प्रकार से सी यू सी एल फोर का देखिए कितने सी एल हैं चार, तो टेट्रा क्लोरो, और ये क्या है क्योंकि ऋणायन है इसलिए सी यू क्या हो जाएगा क्यूप्रेट सेकंड। इसी प्रकार से अन्य भी धनायन और ऋणायन के उदाहरण हम देख सकते हैं, उनमें भी इसी नियम का पालन होगा। अब है आपका संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायनों ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती, ये ध्यान दें इम्पोर्टेंट है। जैसे के फोर एफ सी एन का होल सिक्स है, तो इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट से सेकंड नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि जो धनायन है उसकी संख्या को नहीं जोड़ेंगे हम, पोटेशियम सी एन की संख्या को जोड़ेंगे कितने छः, तो हेक्सा और सी एन को क्या बोलते हैं साइनो, और ये एफ ई यहाँ पर कैसा बनेगा ये ऋणायन, तो इसलिए क्या बन जाएगा फेरेट, तो इसलिए इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी देखें सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स सी एल थ्री को
हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहते हैं, ट्राइक्लोराइड नहीं कहते। तो ध्यान रखें, संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायनों और ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखी जाती। अब आपका दसवें नंबर का जो रूल्स है नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय संकुलों का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अगर द्विकेंद्रीय और बहुकेंद्रीय, जैसे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेतुबंध जो ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरा मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। इन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, अगर आपका सेतुबंध यौगिक इनमें दो धातुओं के मध्य लिगेंड सेतु के रूप में रहते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और दूसरे एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त यौगिकों का नोमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं। यदि सेतुबंध यौगिक, सेतुबंध युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अर्थात सेतुबंध लिगेंड एक जैसा एंटिटी है, तो उसके नाम पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पहले क्या लगाते हैं, म्यू, फिर सेतु लिगेंड का नाम, और उसके बाद एंटिटी की संख्या दर्शाते हुए पूर्व लग्न लिखकर उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। देखिए, यहाँ उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि अणु में एक ही सेतु लिगेंड हो तो म्यू सेतु लिगेंड, अन्य लिगेंड धातु के रूप में इनका नामकरण करते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पर एक ही सेतु लिगेंड है, हाइड्रोक्सो, ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हाइड्रोक्सो से पहले, म्यू, म्यू हाइड्रोक्सो। अब NH3 कितने, एक NH3 तो ये रहा, एक NH3 ये रहा, तो कितने हो गए, दो, तो दो से पहले क्या लगाएंगे, बिस, और NH3 की संख्या कितनी है, NH3 की संख्या है 5, तो यहाँ लगाएंगे पेंटाएमीन, और ये दोनों ही क्रोमियम है तो यहाँ आएगा क्रोमियम थर्ड, और Cl5 है, चूँकि ऋणायन की संख्या तो अपन बताते ही नहीं है, तो ये आएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसी प्रकार से एक दूसरा भी देखते हैं, एक से अधिक समान सेतु लिगेंड की स्थिति में म्यू से पहले सेतु लिगेंड की संख्या दर्शाने वाला पूर्व लग्न डाई ट्राई आदि लिखते हैं। एक से अधिक लिगेंड है, जैसे यहाँ तो सिंगल लिगेंड था OH, और यहाँ पे कितने, दो, तो एक से अधिक होंगे तो उससे पहले भी उनकी लिगेंड्स की संख्या को बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दो लिगेंड है Cl, तो यहाँ लिखेंगे डाई, उसके बाद चूंकि ब्रिज के रूप में तो लिखेंगे म्यू, उसके बाद में आप देखिए लिगेंड का नाम आ जाएगा क्लोरो। अब ये देखिए कि ये किस किस से जुड़ा हुआ है, तो एक तो जुड़ा हुआ है Cl, और ये Cl से, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या आ जाएगा, क्लोराइडो, और उसके बाद फेनिल कितने हैं आपके, 3, तो ट्राई फेनिल फॉस्फीन, और बाद में आ जाएगा आपका धनायन का नाम प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से हम इनका नाम कर सकते हैं। जैसे एक से अधिक हैं लिगेंड ब्रिज के रूप में, तो उसके नाम से पहले अगर 3 है तो ट्राई हो जाएगा, और फिर लिगेंड का म्यू आ जाएगा लिगेंड से पहले, और उसके बाद जो धातु आयन के साथ जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, उनके लिए पूर्व लग्न आ जाएगा, और फिर उनकी संख्या बता के धनायन का नाम लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, सेतु लिगेंड में डाई ट्राई आदि पूर्व लग्न होने की स्थिति में उनकी संख्या दर्शाने के लिए बेस ट्रेस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप, यहाँ पर C6H5 कितने, 2, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बिस, और चूंकि ये सेतु के रूप में इसलिए यहाँ लगाएंगे म्यू, और इसका लिगेंड का नाम है फेनिल, और 2 हैं इसलिए डाई फेनिल फॉस्फीडो, और उसके बाद में आ जाएगा आपका फिर से यहाँ जो मेटल है इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2, तो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन थर्ड, इस प्रकार से इसका नामकरण होगा। और देखिए,
जब एक सेतु लिगेंड में दो से अधिक धातु परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो तो μ3 μ4 आदि का उपयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए आपका ये सल्फर है, ये सल्फर आपका किन किन से जुड़ा हुआ है, इधर एक मरकरी, दो, तीन, चार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे μ4 और ये सल्फर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको थायो और टेट्राकिस, कितने हैं ये मरकरी, चार, टेट्राकिस, और फिर इसका नाम होगा मेथिल मरकरी सेकंड आयन। इसी प्रकार से एक और इसका बिंदु है, उसमें अगर लंबी श्रृंखला है जिसे बहुलकीय चैन के नाम से जानते हैं, अगर बहुलकीय श्रृंखला युक्त संरचना होने पर संकुल के नाम से पहले कौन सा वर्ड यूज लेते हैं, कैटीना म्यू पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। जैसे PDCl2 का अगर हम एक सेतु युक्त बहुलकीय चैन देखेंगे तो आप ये देखिए ये बहुलकीय है, सेत बहुलक भी है और सेतु युक्त भी है, देखो ये सेतु भी हो रही है और बहुत लंबी चैन भी है, तो इसका नाम लिखेंगे कैटीना और बहुलकीय है इसलिए इसको कह रहे हैं पॉली और फिर लिखेंगे म्यू। अब कितने Cl है, दो, तो डाइक्लोरो और पैलेडियम सेकंड। ये तो आई आपके सिमेट्रिकल ब्रिज बॉन्ड युक्त कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात। अब बात आती है आपकी असममित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण। तो इनका नामकरण करते समय हमें किन किन चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसमें पहला है इनका नामकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड को लिखते हैं और फिर धातु परमाणुओं को। जैसे यहाँ पर देखिए एक तो NH2 लिगेंड जुड़ा हुआ है और दूसरा O2 जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन और NH2 में जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से पहले आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे। तो एक तो म्यू लगाएंगे क्योंकि सेतु के रूप में म्यू एमिनो। उसके बाद देखिए कितने NH3 हैं, चार तो ये रे और दो ये रे, तो टोटल कितने हो गए, छः, तो हेक्सा एमीन और Cl भी जुड़े हुए हैं तो कितने आ जाएंगे, दो Cl है तो डाई क्लोरो। फिर से लिखेंगे इसके लिए ये नीचे जो ओटो वाला आपका लिगेंड जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे, फिर म्यू लगाएंगे, म्यू हाइपरऑक्सो डाइकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस प्रकार से असममित में लिखा जाता है। इसी प्रकार से ये धातु बंध युक्त में देखिए इन यौगिकों का नामकरण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें पहला है अगर धातु बंध युक्त अणु यदि सिमेट्रिकल है तो उसके नाम से पहले ग्रीक अंकों के पूर्व लग्न लिख दिए जाते हैं। जैसे ये देखिए CO का होल 5 MN, MnCO का होल 5, तो यहाँ लिखा है बिस क्योंकि कितने CO हैं, दो, बिस, और पांच हैं तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज। सेकंड है धातु बंध युक्त अणु के असममित होने की स्थिति में एक लिगेंड युक्त केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड की भांति मानते हैं और दूसरे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो, दोनों धातु परमाणुओं में से प्रमुख या प्राथमिक धातु परमाणु उसको मानते हैं जो धातुओं के प्रायिकता क्रम में अधिक प्रायिकता वाला हो। प्राइमरी किसको मानेंगे, जो धातुओं के क्रम में अधिक प्रायिकता रखता हो। आवर्त सारणी का अगर हम वर्ग देखें 17 से फर्स्ट वर्ग की तरफ देखें तो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, धातुएं जिस क्रम में आती हैं वह धातुओं की प्रायिकता का बढ़ता हुआ क्रम है। ये देखिए तत्वों का प्रायिकता क्रम किस प्रकार से प्रायिकता का क्रम बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे हम देखें CO का होल 4 CO कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है और ये RE रीनियम CO होल 5 ये रीनियम से जुड़ा हुआ है, दो धातु हैं यहाँ, एक तो कोबाल्ट और दूसरी रीनियम। तो अगर इस तत्वों की प्रायिकता क्रम में देखेंगे तो कोबाल्ट की तुलना में प्रायिकता क्रम में रीनियम की अधिक प्रायिकता है या रीनियम अधिक प्रायिकता वाला धातु है, इसलिए क्या कर मानेंगे इसको, रीनियम का कॉम्प्लेक्स मानते हुए नाम लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल रीनियम और ब्रैकेट में आएगा टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो, तो इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल
टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टियो रिनियम। इन सब नियमों के आधार पर ही कुछ यौगिकों के सूत्र इस टेबल में दिए गए हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें, जैसे ये कुछ कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर हैं, जैसे N2CuCl का होल फोर, तो इसको लिखेंगे सोडियम, Cl4 है तो टेट्राक्लोराइडो और क्यूप्रेट सेकेंड। इसी प्रकार से अन्य भी आप नाम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। जैसे ये है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, तो इसका नाम आ जाएगा डाईएमीन, क्योंकि एमीन बर्न वाला हम पहले आएगा तो डाईएमीन, और Cl2 है तो डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से हम इन मेटल्स के इन कॉम्प्लेक्सेज के नामकरण कर सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर करने के लिए सारे रूल्स थे। आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सभी रूल्सों के बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू।